राकेश बापट को सताया समिता शेट्टी से जुदा होने का डर, क्या मिलन से पहले ही हो जाएगी जुदाई। बिग बॉस ओटीटी में नॉमिनेशन टास्क के बाद समिता शेट्टी फूट फूट कर रोती नजर आई, तो वहीं राकेश बापट को अब यह डर सताने लगा है कि समिता शेट्टी उनसे जुदा हो जाएंगी। नॉमिनेशन टास्क में समिता शेट्टी नॉमिनेट होने वाली सदस्य बन गई हैं। अगर वोटिंग में उन्हें कम संख्या में वोट मिले तो वह घर से बेघर होने वाली सदस्य भी बन सकती हैं। ऐसे में अब राकेश बापट को समिता शेट्टी से जुदा होने का डर सता रहा है। वहीं समिता शेट्टी ने राकेश बापट को यह समझाया है कि उन्हें जनता पर भरोसा है और वह भी जनता पर विश्वास रखें, आगे सब कुछ ठीक होगा। इसके अलावा समिता शेट्टी भी नॉमिनेशन टास्क के बाद बेहद भावुक नजर आई। दरअसल नॉमिनेशन के दुख के साथ उन्हें इस बात का भी दुख था कि समिता को उनके परिवार की तरफ से आई चिट्ठी पढ़ने का मौका नहीं मिला। अगर वह अपने घर से आई चिट्ठी को पढ़ लेती तो राकेश बापट को उनके परिवार की तरफ से आई चिट्ठी पढ़ने का मौका नहीं मिलता और राकेश बापट नॉमिनेट होने वाले सदस्य बन जाते। और अगर राकेश बापट नॉमिनेट होते तो घर से बेघर होने की तलवार जो इस समय समिता शेट्टी पर लटकी हुई है वह राकेश बापट पर लटक जाती और कहीं ना कहीं समिता शेट्टी राकेश बापट को अपने स्वार्थ की वजह से घर से बेघर होने नहीं देना चाहती थी। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि राकेश बापट और समिता शेट्टी के बीच जो कनेक्शन घर में दिखाई दे रहा है वह कितना मजबूत है। समिता शेट्टी और राकेश बापट की जोड़ी आपको कैसी लग रही है आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और बिग बॉस ओटीटी से जुड़ी जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।